मैं वीडियो बना लेती 2 मिनट की। कल भी लाई थी फोन, याद ही नहीं रही बनानी। पहाड़ों का नज़ारा तो बड़ा खूबसूरत होता है ना। पहले मुझे खाई से बड़ा डर लगता था, जाती नहीं थी, घूमने भी जाती थी डर के मारे कि खाई में गिर जाएगी गाड़ी। एक बार तो शिमला जा रहे, पहले हम कालका गए, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, वहाँ से टॉय ट्रेन में गए हम शिमला, वहाँ गाड़ी से भी बुरा हाल हो गया। और वो चलती है वो तो कहते वहां से लो, धर्मशाला से लो सोलन तक बस, अच्छा 1 घंटे में, फिर वहां से बस लेके फिर वापस आ जाओ। सोलन से धर्मशाला से धर्मशाला, फिर धर्मशाला भी तो दूरी पड़ जाती है हमारे। ये है ना कि धर्मशाला ज्यादा रूट नहीं होता, धर्मशाला से सोलन लो शोरूम, वो सर्विस सेंटर वहां करवाऊंगी। तो गाइज आज हम बनाएंगे मेथी का परांठा, और मेथी का परांठा मैं आपको बिना आटा गूंथे बनाना सिखाऊंगी। हाथों में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी वजह से आटा नहीं गूंथ पाते हैं तो तब भी हम परांठे बना सकते हैं बड़े ही स्वादिष्ट, मेथी मूली कुछ भी डालकर। तो गाइज ये देखिए आज मैं आपको मेथी का सिखा रही हूँ परांठा। इसके लिए मैंने देखिए 50 ग्राम मेथी ली है, इससे हमारे 2 परांठे बन जाएंगे। और इसके पत्ते मैंने, इसके डंठल मैंने हटा दी थी इस तरह से जो निकली थी। तो गाइस ये देखिए अब हम मेथी को धोएंगे। अब इसको इस तरह से कर लेंगे और इसको सॉफ्ट बना लेंगे बिल्कुल। गाइस एक हम इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे, एक बाउल ले लेंगे, मेथी को बाउल में डालेंगे। तो गाइज ये देखिए मेथी डालने के बाद अब हम इसमें आटा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची 1/4 चम्मच, और ये देखिए गाइज हल्दी डालेंगे 2 चुटकी। तो गाइज आधा कटोरी मेथी थी इसमें मैंने आधा कटोरी ही आटा डाला है। तो ये देखिए गाइज थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो गाइस 2 मिनट मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखा था और ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। वह हमारा गर्म हो गया है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो चिपक जाएगा तवे पर। और ये देखिए रिफाइंड में मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा इस पर रिफाइंड लगा लेंगे। ये देखिए गाइस इस बैटर से हमारे 2 परांठे बनेंगे। ये देखिए गाइस गैस को थोड़ा सा तेज करेंगे, जिस तरह से रोटी बनाते हैं हम उतनी तेज रखेंगे गैस को। चारों तरफ थोड़ा सा मैं तेल लगा दूंगी। एक तरफ से परांठा सिक गया, इसको पलट देंगे। ये देखिए गाइस खाओगे मेथी का पराठा, खा लोगे क्या? काहे नहीं बताती हो, खा जाओगे क्या? तो गाइस ये देखिए पराठे सिक गए हैं, पराठा सिक गया है, बहुत ही करारा बहुत ही स्वादिष्ट, इसको हम चटनी के साथ सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो गाइस देखिए परांठा हमारा बन गया है और मैं इसको निकाल लूंगी अब। तो गाइस इसी तरह से आप बिना आटा गूंथे परांठा बना सकते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट बनता है और इसमें हमारे हाथ चिपकते भी नहीं है आटे से, और हाथों में बिल्कुल भी आटा नहीं लगता है, नेल्स भी हमारे सेफ रहते हैं। तो कई बार आटा गूंथते हैं तो नेल्स, बड़े बड़े नेल्स होते हैं तो टूट जाते हैं वो, तो गाइस उनकी भी कोई टेंशन या चिंता नहीं है। आप आराम से बाउल में घोलकर आटा और मेथी आराम से परांठे बना सकते हैं।
इसको दही के साथ या चटनी के साथ या कोई भी सब्जी के साथ हम सर्व कर सकते हैं। तो गाइज बनाइए आप भी इसी तरह से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।